आपको बताएंगे ऑप्शंस के लिहाज से या फ्यूचर्स के लिहाज से इंडेक्स में क्या पोजीशन बनानी चाहिए, किन स्टॉक्स पे आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड का ट्रेड करना चाहिए। एक पंड्या का फंडा स्टॉक भी होगा इस कार्यक्रम में आगे और एक शानदार ऑप्शन ट्रेड भी, अपने एक्सपर्ट से करेंगे बात। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की पोजीशंस पे। विनय राजानी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। उनकी राय लेने से पहले मैं आपको ऑप्शंस की स्थिति पर एक बार भी आपकी नजर डलवाता हूं। देखिए विनय, बताइए निफ्टी या बैंक निफ्टी, क्या कोई ट्रेड लेंगे आप फ्यूचर्स पे या ऑप्शंस पे आज के दिन? गुड आफ्टरनून प्रदीप, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से कॉशियस रहना चाहिए। 11,300 में अच्छी खासी राइटिंग, हमने कॉल राइटिंग देखी है और 11,300 जब तक ऊपर की साइड पे क्रॉस नहीं होता है तब तक मार्केट में व्यू कॉशियस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी ने सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, हमने देखा है कि इस सीरीज में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और जबकि निफ्टी में हमने 8% का उछाल देखा। और रोल ओवर के लिहाज से भी देखें तो बैंक निफ्टी में नंबर ऑफ शेयर्स का जो रोल ओवर हुआ है वो ज्यादा हुआ है और बैंक निफ्टी में फ्लैट कारोबार हुआ है। तो जो बायस जो नेगेटिव साइड ये पूरी सीरीज में था जुलाई सीरीज में, वो कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है और मेरे हिसाब से आने वाले एक दो दिन में बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर रह सकता है। तो जब तक 22,200 का लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और निफ्टी में हम सब जानते हैं कि 11,050 से 11,100 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो एक मोमेंटम सेलिंग क्रिएट हो सकता है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11,050 के लेवल टूटते ही मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है। हम वेट कर रहे हैं, अभी फिलहाल डिफेंसिव काफी परफॉर्म कर रहे हैं लाइक फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी सेक्टर्स आर सपोर्टिंग द इंडेक्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन के लिए अगर स्ट्रेटेजी करनी है, ज्यादा चांसेस मार्केट में नीचे गिरने के हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए शॉर्ट की सलाह दूंगा। निफ्टी में आप 11,075 से 11,100 के लेवल्स पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 11,170 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और 10,950 का टारगेट रखिए। बैंक निफ्टी में भी सेल करके चलिए 21,500 के करीबन, स्टॉप लॉस 21,800 का होना चाहिए और टारगेट 21,100 का होना चाहिए। तो ओवरऑल सेटअप भी थोड़ा कॉशियस लग रहा है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी मेरे हिसाब से एक नीचे के सपोर्ट टूटने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो आई वुड गो शॉर्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम विद एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस। ओके, तो ये आपके लिए फिलहाल स्टॉप लॉस का लेवल देखिए 21,800 का है। अगर आप निफ्टी बैंक पे एक शॉर्ट लेने की इस वक्त सोच रहे हैं तो स्टॉप लगाइए सही लेवल पर और किसी भी उछाल में आप मंदी करने के बारे में सोचें। ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो स्टॉक्स भी शॉर्ट साइड के ही हैं या स्टॉक्स में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? एक्चुअली विनय क्या चुनेंगे? प्रदीप, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, काफी सारे सेक्टर इस मार्केट में जो 11,050 से 11,300 का जो मार्केट का दायरा बना है उसमें काफी सारे सेक्टर्स चल भी रहे हैं और ऑल टाइम हाई भी बना रहे हैं स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि ऑल राउंड एक बैरिश हो गया वो मार्केट, ऐसा भी नहीं है। आज हमने इंफोसिस के ऑल टाइम हाई बनते हुए देखो और काफी सारे फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो स्टॉक रिकमेंडेशन में लॉन्ग साइड में दूंगा, वो है फर्स्ट वुड बी ग्लेनमार्क फार्मा। रिलेटिवली दूसरे फार्मा की कंपेरिजन में ये कम चला है, फिर भी मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ग्लेनमार्क का ऑगस्ट फ्यूचर आप लेके चल सकते हैं 448 पे, आपका स्टॉप लॉस 437 पे होना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट एट 473। सेकंड मेरा बाय कॉल है एफएमसीजी सेक्टर में से टाटा कंज्यूमर्स, इसने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ओवरऑल सीरीज में, लास्ट सीरीज में, और अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो ऑगस्ट का टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर लेके चलिए 429 पे, स्टॉप लॉस आपका 417 का होना चाहिए और अपसाइड में टारगेट 445 का होना चाहिए। थर्ड पिक में शॉर्ट साइड देना चाहूंगा जो वीक सेक्टर है, जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है हमने डेली चार्ट्स पे। तो 31.45 के करीबन आप अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट के चलिए, स्टॉप लॉस 32.5 का होना चाहिए और डाउनसाइड में 30 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो ये वो स्टॉक्स हैं, वो कॉल्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर पर आप तेजी कर सकते हैं, 417 का स्टॉक, 445 के टारगेट आपके आते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप देखिए पीएनबी फ्यूचर्स पे आपके लिए एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, 32.50 रूपये पे स्टॉप लगाइए और 30 रूपये के टारगेट आपको यहां पर हासिल होते हुए दिखाई देंगे। ये सलाह फिलहाल आपके लिए निकल कर आ रही है इस कार्यक्रम में। तो ये है वो शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड्स जो आपको लेने चाहिए आज, ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन मैं बताता हूं आपको कौन सा है वो स्टॉक जो पंड्या का फंडा। विनय इस पर अपनी राय देंगे लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊं, चूंकि शॉर्ट की कॉल होती है तो चार्ट पर एक नजर में डालने के बाद ही कोई भी कॉल देता हूं। हमारा जो एक बहुत ही फेवरेट हम कहते हैं इंडिकेटर है बोलिंगर बैंड, इस स्टॉक ने बोलिंगर बैंड के अंदर बुलिश जोन में एंट्री ली थी
ये हुआ था मई में और उसके बाद इस स्टॉक ने काफी शानदार रिटर्न दिए। अभी दो दिन पहले ये स्टॉक अब बेयर जोन में आ गया है, तो जब भी कोई स्टॉक ऐसे बुल जोन से बेयर जोन में आ जाता है तो फिर वहां पर आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है। विनय, मेरी राय यहां पर यह है कि मैं तकरीबन 99 रूपये पे या 100 रूपये पे एक स्टॉप लगा करके यहां पर ये मंदी का ट्रेड इनिशिएट करूंगा 80 के टारगेट के लिए। आपके हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे बताइए। जी प्रदीप, इस स्टॉक ने 105 रूपये की डबल टॉप बनाई है। एक डेली चार्ट पे हमने देखा है कि 104 105 पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ जो बेरिश रिवर्सल साइन होती है। अब ये जो प्रीवियस बॉटम का लेवल है वो टूटता है तो फिर वो एक कंफर्मेशन हो जाएगा सेल साइड का। 94 का इसका प्रीवियस बॉटम है जो 17 जुलाई के सेशन में हमने देखा था, तो जैसे ही ये स्टॉक 94 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें मोमेंटम सेलिंग आ सकती है। जैसे आप बॉलिंगर बैंड की बात कर रहे थे, बॉलिंगर का लोअर जो बैंड है वो भी 94-94.50 के लेवल के आसपास ही है, तो मेरे हिसाब से 94 के नीचे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये ट्रेंड नेगेटिव साइड का हो जाएगा, तो 94 के नीचे इसमें मोमेंटम सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसको अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज तक लेके जा सकता है जो 86 के करीबन है। तो डेफिनेटली मैं भी आपसे सहमत हूँ, स्टॉक में एक कॉशियस व्यू बना है, एक डबल टॉप बनी है और मेरे हिसाब से करीबन 98-99 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट पोजिशन बनाए रखनी चाहिए और 94 टूटते ही इसमें 86 के लेवल्स आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं। ओके, तो आप 86 के टारगेट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यहां पर टारगेट तकरीबन 80 रुपए तक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से इसने अपना बुल ट्रेड पूरा किया है और अब ये नीचे की ओर स्विंग पकड़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यह है कॉल बीईएल या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे फिलहाल बिकवाली करके चलने का। नजर डालते हैं बाजार पे इस वक्त कुछ और स्टॉक सेक्टर्स जहां पे काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आज का दिन दरअसल बाजार में फार्मा स्टॉक्स के नाम पूरी तरह से दिखाई देता है। एक स्टॉक जिस पर खास तौर से मेरी नजर है वो विनय आप देखिएगा, कैडिला हेल्थकेयर। इसके चार्ट आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा नजरिया लेकर चलें तो इसने एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन लिया और अब फिर से एक नई चाल पकड़ रहा है। इस सेक्टर में जो मैं स्टॉक्स देख रहा था आज के दिन जहां पे काफी अच्छे बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं उनमें ये स्टॉक मुझे खास तौर पर पसंद आया। क्या कॉल होगी आपकी? डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा सेटअप दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो एक लंबी रेस का घोड़ा दिख रहा है कैडिला हेल्थ केयर। सिप्ला में भी हमने बहुत अच्छी मूवमेंट आते हुए देखी है, तो डेफिनेटली कैडिला हेल्थ केयर एक मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा फायदा करवा सकता है। और हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने से ये थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया था और वो कंसोलिडेशन की रेंज आज के सेशन में वॉल्यूम के साथ टूटती हुई दिख रही है, तो स्टॉक में करीबन 5% की एक बढ़त है और स्टॉक के वॉल्यूम जो आज के हैं वो ऑलमोस्ट उसके लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट ऑल्सो और प्राइमरी ट्रेंड तो इसका पहले से ही पॉजिटिव था, तो इसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, छोटे स्टॉप लॉस कट सकते हैं, लेकिन आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न आपको आने वाले दिनों में दे सकता है। और हम भी हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि फार्मा सेक्टर विल आउट परफॉर्म दी ओवरऑल मार्केट्स, सो यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन द फार्मा स्टॉक्स एंड कैडिला इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच वी हैव बीन बुलिश ऑन एंड देर आर मेनी स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम कैडिला विच आर लुकिंग गुड ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट, सो यस आई एम बुलिश पोजिशनली एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यह कॉल फिलहाल आपके लिए, निवेश के लिहाज से भी आपकी नजर इस स्टॉक पे होनी चाहिए। देखिए हम बात कर रहे थे बीएल की, यहां पर आपको दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये स्टॉक अपने दिन के नए लोस बना रहा है 94.50 रूपये, 94.40 रूपये फिसलता हुआ फिलहाल ये स्टॉक, जहां पर कमजोरी बढ़ रही है हफ्ते के निचले स्तरों पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ध्यान रखिए। तो इस पर नजर रखेंगे और वो स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बन रही हैं और साथ ही आपको बताएंगे एक शानदार ऑप्शन ट्रेड भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, हमारे साथ विनय राजानी जुड़े हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज आपके लिए कमाई के मौके बन रहे हैं। चलिए अब बारी है आपको बताने की वो ऑप्शन ट्रेड जिस पर आज आपका मुनाफा बनने वाला है, और हमने आपको बताया था डाबर के ऑप्शन पे क्या शानदार कमाई की आपने मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, और आज शुक्रवार को आपको एक और ऐसे ही दिग्गज स्टॉक में मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। स्टॉक है ग्रासिम, ग्रासिम का 650 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है, करीब 21-22 रुपए पे था जब मैंने अंतिम बार देखा। यहां पर आपको एक स्टॉप लगाना है 12 रुपए पे,
पहला टारगेट होगा 38 रुपए और दूसरा टारगेट होगा 46 रुपए। तो ये दो टारगेट्स ध्यान में रखते हुए ग्रासिम पर आपके लिए तेजी का मौका इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो स्टॉक्स बाजार में जो इस वक्त मोमेंटम में है, दिग्गजों में, ऐसा एक स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है। ध्यान रखिए, अगर सीरीज का आज पहला दिन है और आपके पास पूरी सीरीज में एक अच्छी खासी कमाई का मौका बने रहने वाला है तो इस स्टॉक पे आपको इस वक्त तेजी की कॉल मैं दे रहा हूं। स्टॉप लगाइएगा 12 पे, 38 का पहला टारगेट और 46 का दूसरा टारगेट ग्रासिम के ऊपर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। विनय, आप इस चार्ट पे नजर डालिए। आज अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने कल के, बल्कि इस पूरे हफ्ते के हाईस के ऊपर निकलता हुआ आपको नजर आएगा। ओवरऑल एक अच्छी खासी मजबूती की ट्रेंड में है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर और मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल मजबूती के साथ पिछले 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन इसने पूरा किया है और उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहां से ये एक कम से कम 660-670 का स्विंग लेने के लिए तैयार है जिसमें ये ऑप्शन कमाई करा के देगा। जरूर से एक बेयर ट्रैप करवाने के बाद, एक बेरिश सेटअप बनाने के बाद उसको वायोलेट किया और वायोलेट करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है। जैसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स आए थे और मेरे ख्याल से इसमें इसकी कुछ होल्डिंग भी है और उसके वजह से पूरा सेक्टर जो जिस तरह से तेजी दिखाया तो ग्रासिम में भी एक जो बेरिश ट्रेंड था उसमें से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो 653 इसका जो प्रीवियस टॉप लेवल है जो 6 जुलाई को बना था वो वेरी मच पॉसिबल लग रहा है कि वो लेवल तक आ जाए। वहां पे इसकी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यस, जिस तरह से सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और शॉर्ट कवरिंग जिस हिसाब से आ रही है और जिस तरह से वॉल्यूम हमने देखे हैं पिछले 3-4 सेशन में वो काफी कन्विंसिंग है टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो डेफिनेटली आपने जो 650 का कॉल बताया जो 26 रुपए के आसपास चल रहा है, आराम से ये स्टॉक में 40 से 43 के टारगेट्स दिख सकते हैं और स्टॉक का लेवल अगर देखने जाए तो 653 से 660 के टारगेट लुक्स वेरी मच पॉसिबल इन नेक्स्ट 2-3 सेशन। सो यस, इसमें सेक्टर अच्छा कर रहा है और स्टॉक में भी व्यू बुलिश है। बिल्कुल, तो यहां पर आपकी कमाई होने वाली है इस कॉल ऑप्शन के ऊपर। आप देखिए अब ये 26.5 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमने इस पे बात करनी शुरू की थी तो ये करीबन 22 रुपए पे था, यानी 22 से 26.5-27 तक के मूव तो इसने आपको देखिए देखते देखते 20% की कमाई तो इस वक्त ही हो चुकी है अगर आपने शुरुआत में तुरंत पोजीशन ली। और ये मोमेंटम दिखा रहा है, देखिए इस स्टॉक पे डायरेक्टर साहब जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइएगा। ग्रासिम ने अभी अभी जब हम चर्चा कर रहे थे दिन का नया हाई बनाया है और यहां पर आपने 631 के आसपास के नए हाईस बनते हुए देखे हैं स्टॉक पे। तो ये जो तेजी देखने को मिल रही है दरअसल हमने इस हफ्ते की तेजी में पिछले 2 हफ्ते के पूरे कंसोलिडेशन को पचाया है। और मैं जब इस हफ्ते की तेजी कह रहा हूं तो आज इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपको दरअसल देखने को मिला है, इसलिए यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट है। यही वजह है कि आपको ऑप्शन में भी आज काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो उस अंडरलाइन को दरअसल ट्रेड कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। एक नजर जाते जाते बीईएल पे फिर से डालिएगा क्योंकि वो स्टॉक दिन के लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है। 94.10 रुपए ये लेवल मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आते हुए देखे तो हमारे विनय जी को 94 रुपए टूटने का इंतजार था, करीब करीब वहां पे पहुंच गए और ये पक्का तोड़ेगा। देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये केवल वक्त की बात है। मेरे हिसाब से तो ब्रेकडाउन यहां पर हो ही चुका है और वो आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए जो हमने आज के दिन आपको इस शो में बताई। और जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम आपको बता देते हैं और जो हमारी ऑफरिंग है मनी कंट्रोल की उस पर आपके लिए साफ तौर पे शानदार कॉल्स आते हुए नजर आते हैं। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहें तो मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब जरूर करें, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे फिलहाल हम आपसे इजाजत इसके साथ ही, लेकिन इस ब्रेक के उस पार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम आने वाला है। जी हां, अंक गणित आप चलते हुए नीचे देख रहे होंगे क्या है दरअसल इसका राज, बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा राज है, वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार।